सो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम एनिमे कैरेक्टर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो, बट इन दैट वीडियो मैंने मोस्टली फेसेस के बारे में बात करी थी। हाँ, बॉडी के बारे में भी बात करी थी, बट वो सफिशिएंट नहीं था तुम्हारे लिए। सो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम एनिमे कैरेक्टर्स की बॉडी कैसे ड्रॉ कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। सो कोई भी कैरेक्टर की बॉडी ड्रॉ करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसकी हाइट के बारे में पता होना चाहिए कि तुम्हें उसको कितना लंबा रखना है। सो हाइट फाइंड करने के लिए तुम ये दो मेथड्स यूज कर सकते हो, या तो तुम तुम्हारे कैरेक्टर की हाइट 1:6 रेशियो में रख सकते हो, या फिर 1:7 रेशियो में भी रख सकते हो। जो तुम्हें अच्छा लगे वो रेशियो चूज कर लेना। मैं अभी के लिए तुम्हें 1:6 रेशियो का यूज करके समझाता हूँ। सो इस केस में क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसकी हाइट हेड के 6 टाइम्स ज्यादा बड़ी होती है। लेट मी शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक सर्कल ड्रॉ करो जो कि तुम्हारे कैरेक्टर की हेड को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर उसी सेम साइज के तुम्हें और 6 सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे जो कि तुम्हारे कैरेक्टर की बॉडी को रिप्रेजेंट करेंगे। और हाँ, तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना ताकि तुम्हारे कैरेक्टर की बॉडी मिसप्लेस ना हो जाए। एंड सेम गोज फॉर द 1:7 रेशियो। इसमें तुम्हारे कैरेक्टर की हाइट उसकी बॉडी हेड के 7 टाइम्स ज्यादा बड़ी होगी। एज अ बिगिनर तुम ये मेथड यूज कर सकते हो हाइट डिटरमाइन करने के लिए तुम्हारे कैरेक्टर की, बट मैं तुम्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये यूज करना जरूरी है या नहीं। इट टोटली डिपेंड्स on you कि तुम इस मेथड को यूज करना चाहते हो या नहीं। मैं ये चीज तुम्हें सिर्फ सिंपलीफाई करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बॉडी ड्रॉ करने में अभी इतना ज्यादा मास्टर नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम गुड। सो अब नेक्स्ट स्टेप में तुम तुम्हारे कैरेक्टर की बॉडी ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना। जस्ट एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट। एंड सेम गोज फॉर द 1:7 रेशियो। इन दोनों रेशियो से तुम तुम्हारे कैरेक्टर की हाइट डिटरमाइन कर सकते हो, बट इन एनी केस अगर तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर की हाइट जो है चेंज करनी है तो तुम चेंज कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट। सपोज अगर तुम्हें कोई चाइल्ड ड्रॉ करना है तो उसकी हाइट इतनी ज्यादा थोड़ी नहीं होगी, तो तुम इन दैट केस तुम रेशियो को चेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें कोई बड़ा मॉन्स्टर कैरेक्टर बनाना है, मॉन्स्टर के साइज का कैरेक्टर बनाना है, तो इन दैट केस तुम रेशियो को और ज्यादा कर सकते हो। एनीवेज, तुम्हारे स्टिक फिगर वाले कैरेक्टर की बॉडी कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जिसमें तुम कैरेक्टर का हेड ड्रॉ कर देना। मैं फेस में इतनी कोई डिटेलिंग वगैरह ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि उस पे ऑलरेडी मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता दिया था कि फेस कैसे ड्रॉ करना होता है। इस वीडियो में मैं केवल बॉडी ड्रॉ करने के बारे में बताऊंगा। ऑलराइट, सो हेड ड्रॉ करने के बाद मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम शोल्डर से स्टार्ट करो, क्योंकि वो इजी स्टेप है। शोल्डर से स्टार्ट करते हुए अपन चेस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हैंड्स, देन हम लेग्स की तरफ जाएंगे। सो अभी शोल्डर के लिए तुम सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। सो अभी तुम्हें कुछ भी परफेक्ट नहीं बनाना है, जस्ट एक रफ स्केच बना लेना कि हाँ मेरे कैरेक्टर के शोल्डर्स यहाँ पे प्लेस होंगे, इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए वगैरह वगैरह। सो जैसे ही तुम शोल्डर्स को ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद शोल्डर और तुम्हारे कैरेक्टर की जो नेक है उसको जॉइंट कर देना कुछ इस तरीके से, जिससे तुम्हारे कैरेक्टर के ट्रैप्स बन जाएंगे। आई थिंक ट्रैप्स ही कहते हैं। ट्रैप्स को तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर को स्किनी दिखाना है तो उसके ट्रैप्स को तुम हल्का सा नीचे बना सकते हो, या फिर अगर तुम्हें उसे मस्कुलर दिखाना है तो मेरी तरह कर देना, क्योंकि तुम्हारी नेक के अराउंड कोई बोन्स नहीं होती, केवल केवल मसल्स होती हैं। सो मैं 1:6 वाले रेशियो पर अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। सो उसके हिसाब से फर्स्ट सर्कल तुम्हारा हेड के लिए आ गया, देन बाकी के दो सर्कल्स और हल्का सा थर्ड सर्कल का पार्ट इसके अपर बॉडी वाले पार्ट में आ जाएगा। अराउंड इसमें तुम्हारी अपर बॉडी ड्रॉ हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे कैरेक्टर के रिब केज और उसके पेल्विस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम जितने ज्यादा बॉडी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा तुम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आराम से समझ पाओगे। फिलहाल के लिए तुम उसके रिब केज को आर्मर जैसा कुछ ड्रॉ कर देना, और कुछ ऐसी लाइंस ड्रॉ कर देना जो कि तुम्हारे कैरेक्टर की वेस्ट को एज अ ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। सो जैसे ही तुम्हारे कैरेक्टर की अपर बॉडी उन दो सर्कल्स के अराउंड ड्रॉ हो जाए, सो जिस पॉइंट पे वो एंड कर रही है वहां से तुम्हें कुछ ऐसा वी शेप का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक उस पॉइंट पे जहाँ पे तुम्हारी लेटरल एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, जो कि तुम्हारे लेग्स ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। और अब तुम स्टमक वाले एरिया में एब्स ड्रॉ कर देना। एब्स के लिए तुम बॉक्सेस जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेना। तो देख लो, अभी तक तो ऐसी लग रही है अपर बॉडी इसकी। सो अब आते हैं तुम्हारे कैरेक्टर के आर्म्स की तरफ। उनकी हाइट तुम तुम्हारे कैरेक्टर का पेल्विस जहाँ पे एंड हो रहा है ठीक वहीं तक रखना, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। शोल्डर्स ड्रॉ करने के बाद तुम्हारे आर्म्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना, और पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को तुम पार्ट्स में डिवाइड करके ड्रॉ करना तो इजी पड़ेगा। तुम सिंपल शेप्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, और तुम शोल्डर्स को भी थोड़ा सा एज पे से ट्रायंगल शेप दे सकते हो। सो अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट एल्बोज वाला एरिया। तो वो जगह काफी बड़ी होती है, इन दैट केस तुम वहां पे सर्कल ड्रॉ कर देना ऑब्वियसली दोनों हाथों में, और फिर तुम फोर आर्म ड्रॉ करना शुरू कर देना, उसको भी तुम ट्रायंगुलर शेप में
में ही ड्रॉ करना, एट द एंड लास्ट में तुम्हारे हाथ आ जाएंगे। सो मैं इस वीडियो में हाथों को कवर नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए कभी और बात करेंगे। अभी के लिए तुम थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बना लो हाथों का। तो अपर बॉडी विद आर्म्स पूरी बन चुकी है, अब आते हैं लोअर बॉडी पे। सो लोअर बॉडी में तुम्हारे लेग्स ड्रॉ करने होते हैं। सो अगर तुम तुम्हारे रेशियो के हिसाब से चल रहे हो, सो लेग्स अराउंड 4 सर्कल्स पे ड्रॉ होंगे, क्योंकि लेग्स हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा लंबी होती है। सो अगर तुम्हें लगता है कि लेग्स ड्रॉ करना आर्म ड्रॉ करने जैसा ही है, तो हाँ ऐसा है भी और नहीं भी। तुम उन्हें सिमिलर कह सकते हो बट सेम नहीं कह सकते, डिफरेंस है दोनों में। थाइस मसल्स तुम्हारे बॉडी में सबसे ज्यादा बड़ी मसल्स होती हैं, तो उन्हें थोड़ा बड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करना एज कम्पेयर टू द आर्म। तो तुम थाइस कुछ ऐसे ड्रॉ कर देना। एंड देन नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे नी वाले पार्ट में, तो वहां पे भी तुम एक सर्कल ड्रॉ कर देना दोनों लेग्स में। और क्योंकि लोअर लेग वाला पार्ट बीच से काफी बड़ा होता है, तो तुम उसको बीच से थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करना। और इसमें भी तुम ट्राइंगुलर शेप यूज कर सकते हो। और अगर तुम फीट कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर रहे हो, देन यू आर गुड टू गो। एंड ये देख लो तुम्हारे कैरेक्टर के बॉडी का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। हाँ अभी तक ये थोड़ा सा रोबोटिक लग रहा है, तो इसी वजह से हम अगले स्टेप में इसमें रिफाइनिंग करेंगे। और रिफाइनिंग में मैं इसमें इंकिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। उसके लिए मैं बॉल पेन यूज कर रहा हूँ, और ये देख लो मैं ये वाला बॉल पेन यूज कर रहा हूँ। बार बार कमेंट्स में आकर के मत पूछा करो, मैं पता बता के थक चुका हूँ। एनीवेज लेट्स स्टार्ट इंकिंग। Hot like steam, I just got the dreams, I don't know what you mean, it's all funny to the feet, I get 50 to my cheek. और इंकिंग करने के बाद ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है। और मैंने इसमें कई जगह मॉडिफिकेशंस किए हैं इंकिंग करते टाइम, तुम भी चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से अगर तुम्हें कहीं पे चीजें सही नहीं लग रही हैं तो। एनीवेज इसको इरेज कर देते हैं, और मैंने इसको थोड़ा सा शेड भी कर दिया, शेडोज डाल दिए, और अब ये काफी सही लग रहा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर तुमने ये ड्रॉ कर दिया है तो तुम्हारी प्रोपोर्शंस और बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में तुम्हारी नॉलेज काफी अच्छी है। सो ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक, तुम्हारे कैरेक्टर की तुम बॉडी कैसे ड्रॉ कर सकते हो। बट इनकेस अगर तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर की बॉडी डिफरेंट टाइप के पोजेस में ड्रॉ करनी हो, तब तुम क्या करोगे? ये पोज तो काफी स्टैटिक था, इसमें तो काम चल जाएगा। बट अगर कोई डायनेमिक पोज हुआ, मूवमेंट करता हुआ पोज हुआ, तब तुम क्या करोगे? उसके लिए तुम मल्टीपल गेस्चर्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादा नहीं, बस तुम स्टिकमैन फिगर्स ड्रॉ कर लेना अलग अलग पोजेस में, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, फाइटिंग, डांसिंग और भी बहुत सारे। इसको इग्नोर कर देना, ये जरूरी नहीं है। सो शुरुआत में भले तुम ऐसा ड्रॉ करो, पर बाद में तुम धीरे धीरे इम्प्रूव कर ही जाओगे। कभी कभी तुम बेकार भी ड्रॉ करोगे, पर कभी कभी अच्छा भी ड्रॉ करोगे, जैसे कि ये और ये और ये भी। बट यहाँ तक पहुंचने में तुम्हें काफी टाइम लगने वाला है। सो इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, डोंट वरी, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। बट इन एनी केस, इफ यू वांटेड टू गो वन स्टेप अहेड, देन तुम क्या कर सकते हो? तुम पर्सपेक्टिव सीख सकते हो, फिर तुम्हारे कैरेक्टर्स के पोजेस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएंगे बिल्कुल। सो अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव्स के बारे में सीखना है, तो इस वीडियो पे 350 लाइक्स करा देना, दैट वुड बी फाइन फॉर मी। जैसे ही लाइक्स हो जाएंगे मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, एंड लाइक कर देना तुम लाइक नहीं करते हो। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव।